पाकिस्तान में लाहौर के शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने की सिफारिश को रद्द कर दिया गया है। प्रस्तावित योजना को रिटायर्ड पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी तारिक माजिद की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पर रद्द किया गया है। तारिक माजिद ने अपनी रिपोर्ट में भगत सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उन्हें आतंकी बताया है। अब इसे लेकर बवाल मच गया है और पाकिस्तानियों ने तारिक मजीद को देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की वो स्पीच याद दिलाई है जिसमें उन्होंने भगत सिंह की तारीफ की थी। सूत्रों के अनुसार लाहौर के गैर लाभकारी फाउंडेशन भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके जवाब में लाहौर महानगर निगम ने पिछले शुक्रवार को कहा कि तारिक माजिद की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आलोक में योजना को रद्द किया गया। लाहौर नगर निगम ने बताया कि शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसमें तारिक माजिद भी शामिल थे। तारिक माजिद ने कहा, भगत सिंह एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक अपराधी थे। आज के संदर्भ में वह एक आतंकवादी थे। उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी और इस अपराध के लिए उन्हें दो साथियों के साथ फांसी की सजा दी गई थी। उनकी इस टिप्पणी पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद ने कहा कि तारिक माजिद को क्रांतिकारी भगत सिंह को अपराधी और आतंकवादी कहने से पहले सेंट्रल असेंबली में क्रांतिकारी भगत सिंह की प्रशंसा करने वाले पाकिस्तान के संस्थापक एमए जिन्ना के भाषण को याद करना चाहिए। जिन्ना ने न सिर्फ भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदानी व्यक्तित्व की प्रशंसा की बल्कि उनके समर्थन में भी खड़े रहे।